असी हरकृत सिंह खुराना दे घर गए और उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया और सानू इस गल का बड़ी दुख है कि जिमें अमृतसर विच पिछले समय सुधीर सूरी की हत्या जिदी अज बरसी भी है उनकी हत्या कर दी गई सी और भी पंजाब पुलिस की भारी मौजूदगी दे विच लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले दिन ही लुधियाने दे विच संदीप थापर गोरा दे उत्ते हमला होया उदों भी गनमैन मौजूद सीगा और खालिस्तानी अतवादी सोच के समर्थक नहंगा ने सरेआम हमला किया उदों भी कोई पुलिस की सख्त कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसी तरह योगेश बख्शी के खिलाफ दे उत्ते हमला होया और उस हमले नूं भी बिल्कुल ही छोटा समझ के लुधियाना पुलिस कोई भी दोषी पकड़न च नाकामयाब रही। थोड़े समय बाद ही फिर शिवसेना दे एक लीडर हरकिरत सिंह खुराना दे घर दे उत्ते हमला हो जाता है और पुलिस कई थ्यूरियां दे काम करती है। ज़्यादातर पुलिस की सोच और समझ यह बन जाती है कि शिवसेना के लीडर ने आपे हमला कराया होगा जिथे कि शिवसेना नेता दे पिछले दिन हमले हुए सन उसके संबंध में लुधियाना विखे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता वालों आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके उन्होंने वालों पत्रकार नाल गलबात करते हुए कहा गया कि जो कि लगातार शिवसेना हिंदू नेतावां ते लगातार हमले हो रहे ने अते पिछले दिन ही शिवसेना नेता हरकिरत सिंह खुराना ते पेट्रोल बम नाल होए हमले नूं लैके पुलिस प्रशासन ते वी चुके सवाल अते इस दौरान पवन गुप्ता वालों पंजाब सरकार ते वी सवाल चुके गए हन अते उन्हां वालों कहा गया कि 2 साल हो गए हन भगवंत मान सरकार वालों हिंदू नेतावां नाल कोई भी मीटिंग नहीं कीती गई अते ना ही उन्होंने जानने की कोशिश की है कि हिंदू नेतावां नूं की दिक्कतां आ रही। अज असी जिहड़े पिछले दिन लुधियाने दे विच शिवसेना नेता हरकिरत सिंह खुराना दे उत्ते पेट्रोल बम सुट के हमला किया गया सीगा उन्हां दा हालचाल जानने लई और वस्तु स्थिति नूं समझण दे लई अज मैंने लुधियाने दा दौरा किया सीगा। असी हरकिरत सिंह खुराना दे घर गए और उन्हां दे सारी स्थिति दा जायजा लिया और सानू इस गल दा बड़ी दुख है कि जिवें अमृतसर विच पिछले समय सुधीर सूरी की हत्या जिदी अज बरसी भी है उनकी हत्या कर दी गई सी और भी पंजाब पुलिस की भारी मौजूदगी दे विच और उस तो बाद उदे जिहड़े हत्यारे से खालिस्तानी अतवादी समर्थक से उन्हों महिमा मंडित किया गया। पंजाब पुलिस पंजाब सरकार उस मामले च कुछ नहीं कर सकी कुछ भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई कले कले एको ही व्यक्ति नूं पकड़िया गया उदे विच केड़े लोग समर्थक से केड़े सोच दे लोग से उन्होंने खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और उस तो बाद लगातार पंजाब दे 45% हिंदू समाज दे लीडरां दे उत्ते लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले दिन ही लुधियाने दे विच संदीप थापर गोरा दे उत्ते हमला होया उदों भी गनमैन मौजूद सीगा और खालिस्तानी अतवादी सोच दे समर्थक नहंगा ने सरेआम हमला किया उदों भी कोई पुलिस की सख्त कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसी तरह योगेश बख्शी के खिलाफ सख्त का दे उत्ते हमला होया और उस हमले नूं भी बिल्कुल ही छोटा समझ के लुधियाना पुलिस कोई भी दोषी पकड़न च नाकामयाब रही। थोड़े समय बाद ही फिर शिवसेना दे एक लीडर हरकिरत सिंह खुराना दे घर दे उत्ते हमला हो जाता है और पुलिस कई थ्यूरियां दे काम करती है। ज़्यादातर पुलिस की सोच और समझ यह बन जाती है कि शिवसेना के लीडर ने आपे हमला कराया होगा। ये जड़ा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के वलों ईमेल आई है उस तो बाद पुलिस की थ्यूरी नूं सही दिशा मिल रही है। असी पुलिस नूं ये पूछना चाहते हैं भी जदों योगेश बख्शी दे उत्ते हमला होया तुसी की कर रहे सीगे तुहाडे जिहड़े सोर्सिस सी ओह की कर रहे सीगे। दूसरा हरकिरत सिंह खुराना दे उत्ते हमला होया अज तक CP साहब उत्थे दौरा नहीं कर पाए। दूजे पासे DGP पंजाब पुलिस इतनी संवेदनशील हालात नूं समझदे होए नाकियां ते जाके रात नूं चैक कर रहे हैगे पंजाब दे कोने कोने च जाके जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इतने हिंदू लीडर से हमला हो जा रहा है तो CP साहब दौरा करना जायज नहीं समझ रहे। मेरा सवाल है कि जब तुम दौरे नहीं कर रहे 15-15 दिन बाद दो हमले हो जा रहे हैं पूरे पंजाब च 45% हिंदू समाज के उत्ते डर अते सहम का वातावरण है उहदे पिछे दो कारण है कि 2 साल तो ज़्यादा समा भगवंत मान जी की सरकार नूं हो गया पर भगवंत मान की सरकार नाल पंजाब दे प्रतिष्ठित हिंदू समाज के लीडर की कोई मीटिंग नहीं हुई।
हिंदू समाज के लीडर शिवसेना के लीडर साहबाना ने कई बार मुख्यमंत्री तो समा मंगया, पर मुख्यमंत्री पंजाब के हिंदुओं की गल पता नहीं क्यों नहीं सुनना चाहते। किसी भी हिंदू लीडर को बुला के उन्होंने गल नहीं की। हिंदू समाज को पंजाब की समस्या आ रही है कोई सुनने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। और मैं ये भी कहना चाहना, वो कहते हैं कि किसी भी ऑफिस से तुसी फोन ले जा सकते हो, पर जिन्हें भी DGP समेत जिन्हें भी पुलिस अफसर के ऑफिस है उत्थे पहले लीडर के फोन बाहर रखा ले जाते कि फोन बाहर रख लो। असी समझ नहीं रहे कि पंजाब के अंदर हुक्म किदा चलता है, पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री का हुक्म चलता है या कि जड़े अधिकारी है पुलिस अफसर है सिविल है। और DGP साहब समेत जिन्हें भी पुलिस अधिकारी है उन्होंने चाहिए है कि पंजाब के अंदर अतवाद वखवाद के खिलाफ लड़न वाले जिन्हें भी हिंदू लीडर है उन्होंने नाल गलबात करन, उन्होंने फोन चुकन, उन्होंने आवाज़ नू समझन, गलबात नू समझन। और जिहड़े अतवादी वखवादी है इन्हां नाल नरमी नाल पेश ना आके इन्हां नाल सख्ती नाल पेश आना चाहिए है। और जिहड़े भी अतवादी वखवादी है उन्होंने डर के कारण पंजाब दे हिंदू लीडर नू डराउण की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने कुचलन की लोड़ है। जिहड़े अतवादी वखवादी है खालिस्तानी सोच के लोग है उन्होंने दबाया जाना चाहिए, उन्होंने कुचलिया जाना चाहिए, ना कि पंजाब दे शिवसेना दे लीडर साहबान नू डराओ कि तुसी इत्थे ना जाओ, तुसी ये प्रोग्राम ना करो, सानू जिहड़ा हालात बिगड़न दे डर है। भी जे हालात बिगड़ सकते हैं तो पंजाब पुलिस की कर रही है? पंजाब पुलिस केवल और केवल हिंदू लीडर नू घरां च नज़रबंद बनाना चाहती है। हमले हो जाते हैं तो उस हमले नू हमेशा ही हल्के वे नाल लैंदी है। अतवादी वखवादियों नू कुचलिया जाना चाहिए, पकड़िया जाना चाहिए। हिंदू लीडर जिहड़े देश की एकता अखंडता की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने हौसले बुलंद करन लई पंजाब पुलिस नू उन्हां दा सहयोग करना चाहिए। DGP समेत चीफ सैकटरी समेत उन्हां नाल मीटिंग करके उन्हां दे जिहड़े विचार है जिहड़े उन्हां दे सुझाव है वह ले जाने चाहिए है। क्योंकि ये हिंदू लीडर पंजाब के 45% हिंदू लीडर हिंदू समाज की प्रतिनिधता करते हैं। अगर इन्हां ते हमला हुंदा ते पंजाब के हिंदुओं के डर जा सहम का वातावरण बनता है। और दूसरे पासे पंजाब तो बाहर दे सूबे दे विच हिंदू समाज के अंदर तलखी आती है जिदे नाल समाज कुड़त्तन पैदा हो सकता। दूसरी गल मैं DGP पंजाब पुलिस नू कह देना चाहना कि पंजाब के जिहड़े हिंदू लीडर है खास करके साडी शिवसेना हिंदुस्तान नाल संबंधित या दूसरी शिवसेना नाल संबंधित उन्हां लीडर की सिक्योरिटी दे विच जान बुझ के छेड़खानी की जा रही है। कई जड़े जिवें हुण साडे पंजाब दे कार्यकारी प्रधान है, ट्रांसपोर्ट सेल है, मनी सेल है, बहुत सारे लीडर जिन्हों को सिक्योरिटियां सीगियां उन्हां दियां सिक्योरिटियां विड्रा कर लिया गई। क्या पंजाब सरकार ये समझती है कि जब तक इन्हां ते हमला नहीं हुंदा, इन्हां दी हत्या नहीं हो जाती, जब तक इन्हां दी सिक्योरिटियां नू रीस्टोर नहीं किया जाता, पंजाब पुलिस इस गल नू गौर करे कि ऐसा ना होवे कि अतवादी हिंदू लीडर नू सॉफ्ट टारगेट बनाण और पंजाब दे विच खलबली और डर दा सहम दा वातावरण बने। कल्ले शिवसैनिया ते क्यों अटैक हो रहा है? क्योंकि मैं ये पहला भी जवाब दिता है कि जदों अतवाद वखवाद के खिलाफ जिहड़ी जमात बोलती है जिहड़ा संगठन बोलता है कहने के लिए तो DGP कई आए, पर जिवें DGP जिहड़े अतवाद के खिलाफ लड़े वखवाद के खिलाफ लड़े वही DGP Z+ या सिक्योरिटी लिहाज नाल प्राइम लोकेशन ते रहे, तो इसी तरह शिवसेना दे लीडर या कम्युनिस्ट पार्टी दे लीडर या अकाली दल दे ओ लीडर जिन्होंने अतवाद वखवाद देश विरोधियों का मुँह तोड़वा जवाब दिता जिवें जत्थेदार जीवन सिंह उमरा नंगल हुंदे सीगे ये अतवाद वखवाद के खिलाफ लड़े ये निशाने ते आए, तो इस तरह शिवसेना दे लीडर ने अपनी जान हथेली ते रख के इन्हां नूं कोई तनखा नहीं मिल रही, ये कोई गौरमेंट इंप्लाइज नहीं है भी इन्हों बोनस मिल रहा है इंक्रीमेंट मिल रहा है, ये देश के दे प्रति जी लड़ाई लड़ रहे इन्हों इस करके देश विरोधियों तो जान का खतरा है। और जान का खतरा होने करके संविधान के जोड़ा सा अधिकार है कि जे सा जान को खतरा होएगा तो सरकार और संविधान न चुनी हुई सरकार का फर्ज है, मुढ़ला फर्ज है कि वह सिक्योरिटी का इंतजाम करेगी। आम आम नागरिक जोड़ा कि अतवाद के खिलाफ लड़ता है बोलता उसकी सुरक्षा की गरंटी देना वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है। सिक्योरिटी नहीं के मतलब योगेश बख्शी ने अपने हमला कराया,
हरकिरत खुराना ने अपने यही जड़ी खतरनाक थ्योरी है भी जे आज वो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स वाले जिम्मेवारी ना लेंदे तो इनू आप हल्के वेच लेंदे इहदा मतलब सुधीर सूरी ने सिक्योरिटी लैण लई उपराला किया सी। एक पासे वो अतवादी वखवादी हैगे जिहड़े ड्रोन नाल असला मंगा रहे हैं, पुलिस नूं भी पता भी असला आ रहा है, और एक पासे साडी जमात दे लोग है चाहे वो कोई भी शिवसेना दे लोग होण अतवाद वखवाद दे खिलाफ डट के बोलदे है। संदीप गोरा तापर सड़क ते जा रहा है, चार या पंज निहंग आ रहे अतवादी और कृपान हमला कर रहे हैं कि जे सानू बोलन दे आजादी नहीं, अपनी विचार पेश करन दे आजादी नहीं, जे कोई अतवाद वखवाद दी थ्योरी लैंदा है अपना फेसबुक के उत्ते इंदिरा गांधी की कार्टून फिल्म बना के पेश करता है, वो तो देश के हित दे विच है, वो दिखा रहे भी असी गोलियां मारियां साढ़े बब्बर शेरां ने इंदिरा गांधी नूं शहीद करता, वो बब्बर शेर हो गए, और जेड़ा कोई अतवाद वखवाद के खिलाफ आवाज़ उठाता है उन्हें तुसी पंजाब दे विच कतल कर देना चाहते हो, कनेडा दे विच हिंदू मंदिरां ते हमले करके तुसी अतवाद वखवाद का प्रचार करते हो, अजिहे मौके अजिहे समय फिर हिंदू संगठन भी इहदा जवाबी कार्रवाई करन तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साड़ी मांग है कि सरकार पूरी गंभीरता नाल जिहड़े हिंदू लीडर अतवाद वखवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्होंने मजबूती प्रदान करे, उन्होंने सिक्योरिटी दे, और दूसरा जिहड़े अतवादी वखवादी विचारधारा के लोग है चाहे वह कृपान नाल हमला कर रहे हैं, चाहे वह बंदूक नाल हमला कर रहे हैं, चाहे वह गुंडागर्दी करके जानबूझ के डर दा सहम दा वातावरण बना रहे उन्होंने खिलाफ़ जिमें अमृतपाल के खिलाफ अमृतपाल सिंह के खिलाफ़ कार्रवाई हुई डिब्रूगढ़ जेल च बंद किया गया, यहोजे सलूक होने चाहिए है ताकि कोई भी देश के खिलाफ देश के हितों के खिलाफ जाके काम ना करे। साडा किसी भी संप्रदाय जाति विशेष नाल किसी कम्युनिटी नाल शिवसेना हिंदुस्तान की कोई विरोधता नहीं, पर जिहड़ा कोई तिरंगे के खिलाफ है देश की एकता अखंडता के खिलाफ है अतवाद के हक के विच है उहदे खिलाफ शिवसेना हिंदुस्तान का संघर्ष है। मैं तुहाडे राही नीटा जिहड़ा जिन्हें जिम्मेवारी ली है उन्हों भी कहना चाहना भी तू कोई बहादुर सुरमा नहीं है, डरपोक है, डरपोक डर दे मारे तू पाकिस्तान च बैठा है, इत्थे तू पहाड़े दे टटुआ दे नाल कोई छोटा मोटा ब्लास्ट करके अपने आप नूं तू बब्बर शेर समझ रहे। शिवसेना हिंदुस्तान इहो जिहे बुजदिलां नूं कहना चाहती है भी तेरे तो डरन वाले कोई शिवसेना चाहे कोई शिवसेना है वो कोई डरन वाले नहीं है, पूरी ताकत नाल असीं मुकाबला करांगे और इहो जिहे डरपोकां दे खिलाफ शिवसेना हिंदुस्तान पूरे ताकत नाल मैदान च नितरेगी। जय श्री राम। मैं संजीव दैम पंजाब अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान तो साढ़े राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी अज लुधियाना फेरी आए थे जिस की लड़ी में उन्होंने हरकिरत खुराना जी के निवास से विजिट किया तो देखा कि असं देख ही रहे हैं कि 14 दिन से दूसरा हमला जो लुधियाना शहर से पेट्रोल बंब का किया गया। सो ये प्रशासन की नलायकी है, इंटैलीजेंस फेलअर आ कि जिस जगह के उत्ते पहले योगेश बख्शी से हमला आता उत्थे सीपी साहब विजिट नहीं करते, कोई सीनियर अफसर जाके विजिट करता, कोई उन्होंने दोषियों की भाल नहीं की जाती, उस लड़ी के तहत उन्होंने हौसले बुलंद होंगे दोषियों के, तो वह कल की डेट जो दिवाली वाली रात में हरकिरत खुराना जी के घर से भी उही हमला सेम उही मोटरसाइकिल यूज़ करके उही हमला जोड़ा वा उ करते हैं। सो जिहड़ा वा ये मंदभागा वा उस लड़ी के साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी आए थे तो उन्होंने सारी वार्ता तो ना की जी। सर हुण तुहाडा नैक्सट स्टैप की होएगा? नैक्सट स्टैप साढ़े श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी जिदा भी सारे हिंदू संगठन एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होणगे जो डिसाइड होगा जिहड़ी ये लड़ाई है इहनूं असीं दब के लड़ांगे जोर शोर नाल लड़ांगे। शिवसेना हिंदुस्तान खास करके अपने फैसले ते हमेशा अटल रही है, जो फैसला साडी टीम कर लेंदी है असी कदी उहदे तों पिछे नहीं हटे, जे सानूं आ खालिस्तान भगोड़ा दल नाल लड़ना भी पिया ते असी खुल्ह के लड़ांगे, साडे लई जिहड़े आ छोटियां मोटियां हरकतां इह कर रहे आ टुच्चियां जिहां इह कोई मायने नहीं रखदियां, दलेर उह बंदा हुंदा वा जिहड़ा आ के सामणे लड़े, जे दलेर उह नहीं आ कि जिहड़ा रात नूं आ के किसी दे गेट दे उत्ते पेट्रोल बंब मार के ते भज जावे ते अपने आप दी फोर्स दा नाम रख देवे खालिस्तान जिंदा फोर्स, इह खालिस्तान जिंदा फोर्स नहीं इह खालिस्तान ਭਗੋੜਾ ਫੋਰਸ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਗੋੜਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।
एक गल होर मैं कहना चाहना, जिहड़ा पिछले एक दो दिन च कनेडा दे विच मंदिर दे उत्ते खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया और उत्ते हिंदू श्रद्धालुओं नू मारिया कुटिया, उहदी असीं कड़ी निंदा करदे हां। और मैं सिख समाज नू भी बेनती करदा वी इहो जे मामले च अपना स्टैंड स्पष्ट करन, क्योंकि इस तरीके दे दुर्भावनापूर्ण कदम दे नाल हिंदू सिखां दे विच नवां विवाद पैदा हो सकदा है। मैं समझदा कि सिख समाज भी इस घटना की अगे आ के निंदा करे और असीं इस तमाम हिंदू संगठनों नाल चर्चा करांगे। जिस तरह पंजाब दे विच कानून व्यवस्था फेल हो रही है, लगातार लुट खोह दी वारदातां वध रही ने, हिंदू समाज के लीडरां ते हमला हो रहा है, असीं सारे हिंदू संगठन विचार विमर्श करके आने वाले समय के कुछ ठोस अंदोलन करन जा रहे हैं। हिंदू संगठन या सारे संगठन, देखो सारे संगठन दे विच असीं नहीं समझते, बाकियां दी गल किसानां दी किसान यूनियन कर रही है, बाकी गल कर रहे हैं, असीं हिंदू संगठनां नूं इकट्ठा करके जिस तरीके नाल पंजाब दे 45% हिंदुआं नाल अनजस्टिस किया जा रहा है, चीफ सैकटरी, पंजाब सरकार, पंजाब दा DGP गल नहीं सुनन नूं तैयार, असीं एक ऐसा अंदोलन खड़ा करांगे जिहदे नाल हिंदुस्तान दे हिंदू समाज तक मैसेज जाए कि पंजाब दे हिंदुआं नाल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, पंजाब दे मुख्यमंत्री हिंदुओं नूं नहीं सुनना चाहते, पंजाब दे DGP पंजाब दे हिंदू लीडर नाल गल नहीं कर रहे, और अलग अलग जगह दे उत्ते भी जिहड़ा जिस तरीके नाल अत्तवादियों ने एक नवा मिशन शुरू किया भी हिंदू लीडर नूं टारगेट किया जाए ताकि पंजाब दा हिंदू लीडरलैस हो जाए, कोई उन्हां नूं लीडर ही ना बचे कि जिहड़ा उन्हां दी अगवाई कर सके। इस खतरनाक रुझान दे खिलाफ शिवसेना हिंदुस्तान बाकी हिंदू संगठन नूं लैके एक ठोस अंदोलन शुरू करन जा रही है, जिहदे लई आने वाले समय च असीं बहुत जल्दी एक रणनीति दे तहत बैठकां करांगे।